तो दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर भारत के मित्र इजराइल को लेकर, और इस समय इजराइल और हमास के बीच में घमासान लड़ाई चल रही है। और ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो इस लड़ाई में अभी तक हमारे मित्र इजराइल के करीब 400 लोग मारे जा चुके हैं जबकि 3000 लोग घायल हैं। वहीं पर इजराइल की तरफ से हमास के ऊपर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी गई है जिसके कारण से करीब इजराइल की तरफ से 300 हमास के लड़ाकों को मार गिराया गया है। और इजराइल की जवाबी कार्रवाई में करीब 2000 लोग घायल भी हुए हैं। साथ में इस समय इजराइल के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि एक तो इजराइल डायरेक्ट हमास के लड़ाकों के साथ लड़ाई कर रहा है, उनके ऊपर बमबारी कर रहा है, दूसरा हमास के लड़ाके इजराइल के नागरिकों को कैप्चर कर करके अपने ठिकानों तक ले जा रहे हैं। अब ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में रहने वाले नागरिकों को चेतावनी दी है कि जितने जल्दी हो सके अपना शहर छोड़ दो क्योंकि हमास के लड़ाकों को हम छोड़ेंगे नहीं और जहां भी वो दिखाई देंगे उनको मिट्टी में दफन कर देंगे। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों को सीधी चेतावनी दी है कि तुम हम पर हमला करके बच नहीं सकते हो, जहां भी दिखाई दोगे वहीं तुम्हारी कब्र बना दी जाएगी। और इस समय इजराइल अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए हमास के ऊपर टूट पड़ा है और जल्द ही हमास के लड़ाकों को इजराइल ठिकाने लगा देगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।